हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु वाइस। माय नेम इज निहारिका बालिया और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अ कंपैरिजन बिटवीन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एज वेल एज व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआई असिस्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी दोनों आरबीआई ग्रेड बी, यानी आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट दोनों आरबीआई के अंडर आती है, लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है जो आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट को अलग अलग बनाता है। सो लेट्स डिस्कस दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी वर्सेस आरबीआई असिस्टेंट। सो आज का एक फैक्चुअल नॉलेज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी वर्सेस आरबीआई असिस्टेंट, आपको इनके नामों से सबसे पहले फील होगा दिस इज एन ऑफिसर जॉब, जबकि ये एक क्लरिकल जॉब में कवर होता है। और इसके सिर्फ ऑफिसर और एक क्लरिकल जॉब में ही डिफरेंस नहीं है, इनकी पे के अंदर भी एक आपको डिफरेंस मिलेगा, इनकी वर्किंग, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके स्कोप ऑफ वर्क में भी आगे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट इसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में भी एक डिफरेंस है। विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ ऑल दीज एरियाज। सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्टिकुलर डिस्कशन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की। आरबीआई असिस्टेंट एक क्लरिकल लेवल जॉब है, मैंने आपको बताया इसके बारे में। ये मेंटेन करते हैं फाइल्स को, दे आर द पीपल हु आर मेंटेनिंग फाइल्स, ये कलेक्शन ऑफ रिसीट्स करते हैं, देन ये लोग लेजर बैलेंस टैली इन सबको देखते हैं। मतलब ये बेसिक जो फाइल्स को मेंटेन करने वाला चीज़ है ना, वो इनकी है, क्योंकि ये क्लरिकल लेवल जॉब के अंदर आता है, इसके अंदर डेटा एंट्री का काम भी इन्हीं के ऊपर आता है। मीन्स फाइल्स को मेंटेन करना, डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उनको आपको नोट करके चलना होगा व्हेन यू आर एन आरबीआई असिस्टेंट। साथ ही साथ आपको रिप्लाई भी करने हैं, मेंटेन करने हैं ईमेल लॉग्स, बिकॉज दीज आर द फर्स्ट लेवल ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू आंसर अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल। जो भी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर होती हैं वो अल्टीमेटली क्लरिकल लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है। तो देन उनको रिप्लाई करने हैं ईमेल्स को, उनको आरटीआई की जो क्वेरीज आ रही हैं उनको रिस्पॉन्ड करना है। देन इनके पास करेंसी इशुएंस सर्कुलेशन का काम इनके पास भी रहता है, और करेंसी इशुएंस सर्कुलेशन का काम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के पास भी होता है। बट फर्क यह है कि इनका स्कोप ऑफ वर्क थोड़ा लिमिटेड है, उनका स्कोप ऑफ वर्क और पार इनसे ज़्यादा होती है। वेरिफिकेशन ऑफ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स इनको करना होता है, अटेंडिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी वर्क वो भी ये देखते हैं, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं हायर अथॉरिटी के साथ। सो क्रक्स ऑफ आरबीआई असिस्टेंट इज दीज पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे एक्टिविटीज। दीज आर बेसिकली जो कि आपका रेगुलर ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, जो भी बेसिक ग्राउंड लेवल जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, वो सारे इंपॉर्टेंट काम आरबीआई असिस्टेंट के पास होते हैं। व्हाट नेक्स्ट, आरबीआई असिस्टेंट के पास अगर ये रहते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर क्या काम करते हैं। जब हम लोग वैसे आरबीआई असिस्टेंट की एक बार प्रमोशन के भी डिस्कस कर लेते हैं, प्रमोशन को देखेंगे, इसका नॉर्मल प्रोसेस होता है बेसिकली ना, इस इनकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जैसे इनका एग्जाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस उसको आगे मिलता है। मेरिट बेसिस पर अगर आप मिनिमम 2 साल की सर्विस के बाद JAIIB और CAIIB के जो आपने डिप्लोमाज हैं अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके पास प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आरबीआई असिस्टेंट के बाद सीधा ही आपके पास आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आ जाता है। देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर इफ यू वांट टू ग्रो फर्दर। देन जब हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की, तो वहां पर इस जॉब प्रोफाइल में क्या है, ये लोग भी करेंसी एंड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन ये लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करते हैं। दीज आर द पीपल जो इकॉनमी में अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट द करंट सिनेरियो ऑफ द करेंसी, किस तरीके से चल रहा है, उनकी मेंटेनेंस सारी इनके ऊपर है। तो साथ ही साथ गवर्नमेंट को एडवाइस, बिकॉज आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक एज वेल, तो यानी कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी को मेंटेन करना, उनका बेसिक बैंक अकाउंट्स को देखना, उनकी वर्किंग चेक करना, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के पास ही इस चीज़ के काम होते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी जो ऑफिसर्स हैं इनका, जब हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं, दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन द हायर लेवल टर्म्स, मतलब आप कह सकते हैं दी आर द पीपल हु आर मेकिंग द स्ट्रैटेजीज एज वेल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजीज टू गिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, वाइल आरबीआई असिस्टेंट इज बेसिकली नोटिंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स, दे आर द वंस इनको वो प्रॉब्लम्स को कोट करना है कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, दिस इज वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, एंड उसके आगे उसकी केटर करना, उसकी सोल्यूशंस निकालना, और इकॉनमी को मेंटेन करने वाली जो एक बेस काम आरबीआई करता है वो इसके आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर्स हैं। दे आर इक्विवेलेंट, मतलब दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्क। वी कैनॉट से इक्विवेलेंट, बट येस दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल दैट टास्क। सो आरबीआई ग्रेड बी जॉब प्रोफाइल ये आई। बट फिर अगर हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई ग्रेड बी के साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी को,
तो कहाँ डिफरेंस है? आरबीआई ग्रेड बी की आपको सैलरी की डिटेल्स हर जगह थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी. दिस इज वेयर आई कैन लेट यू नो कि जो प्रेजेंटली इनके पास दिखाया जा रहा है वो इनकी ग्रॉस सैलरी इज 77,000, रफली 77,000, बट इन हैंड आपके पास ये जो आती है वो अराउंड 53 के आसपास पहुँचती है. जबकि जब हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करते हैं उसकी अप्रॉक्सीमेटली 36,000 के आसपास बनता है. अगेन देयर इज अ डिफरेंस, डबल के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बिकॉज जॉब प्रोफाइल कुछ वैसी है. ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं, बट वी नीड टू नो व्हाट आर द अदर डिफरेंसेस एज वेल. जब हम आरबीआई असिस्टेंट की बात करते हैं उसका एग्जाम पैटर्न इज ऑल एमसीक्यू बेस्ड. उनका फर्स्ट लेवल इज एमसीक्यू बेस्ड, दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू बेस्ड, एंड उनका एक एडिशनल टेस्ट होता है दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT कहते हैं इसको. अब ये तीनों टेस्टिंग के बाद दीज गाइज आर चोजन. वाइल इन केस ऑफ आरबीआई ग्रेड बी उन्होंने रिसेंटली उसका एग्जाम पैटर्न बदला है. देयर इज अ चेंज इन द एग्जाम पैटर्न एंड हाउ हैव दे चेंज्ड एग्जाम पैटर्न फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में क्या है? इनका फेज वन इज एमसीक्यू बेस्ड. इसका जो इस बार की रिक्रूटमेंट हुई थी, इन्होंने जो जनवरी में पेपर दिया था, द पेपर हैड एवरीथिंग जो कि मॉडरेट से डिफिकल्ट के अंदर था. बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आप इजी में डाल सकते हैं. देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम इजी टू मॉडरेट एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू वुड फाइंड कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ उन्होंने रखे थे. आरबीआई ग्रेड बी के इस बार के फेज वन के अंदर ही दे टोल्ड अस दैट इफ यू आर थिंकिंग टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी देन फोकस प्रॉपरली बिकॉज द पेपर इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. दैट्स द फर्स्ट लेवल फेज वन का. फिर उसके बाद फेज टू में दे इंट्रोड्यूस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, अनदर लेवल चैलेंज. ठीक है, जो आरबीआई असिस्टेंट है उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलेगा. जो अब तक पिछली बार आए हैं, अब तक उन्होंने उसको हमेशा डिस्क्रिप्टिव की तरफ रखने की बजाय एमसीक्यू बेस्ड ही रखा है. तो आपका फेज वन भी एमसीक्यू बेस्ड था, फेज टू भी एमसीक्यू बेस्ड था, और उसके अंदर कोई स्पेशलाइज जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट ये सब नहीं आ जाता. उनके पेपर के अंदर आपकी जो बेसिक प्रोफिशिएंसी थी वही थी, आपकी इंग्लिश हो गई, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया. जबकि इनके फेज वन के अंदर आपको करंट अफेयर्स ही इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग 80 मार्क्स के थे. So, GA had a good value in terms of this examination. So, when we talk about RBI grade B officer, the pay is more, the scope of working is more, the power is more, but इसके साथ की मेहनत भी उसी हिसाब से ज़्यादा रहेगी. RBI grade B phase 1 is MCQ based, pure MCQ based, 80 marks का आपका सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है? आपका जनरल अवेयरनेस एंड रेस्ट, एवरीथिंग एल्स इज ऑफ 20-30 मार्क्स का. आपका हर चीज़ रहेगी, आपकी रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश रहेगी. और इसकी इंग्लिश भी अब इन्होंने ऐसी रखी है कि बहुत स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में फ्लुएंट है दे ऑलवेज थिंक दैट वी कैन स्कोर इन इंग्लिश वेरी वेल, बट इनकी इंग्लिश का लेवल भी इस बार अच्छा था. देन फेज टू प्योर डिस्क्रिप्टिव, देन आफ्टर दिस देर इज नो रिटन थिंग एंड देन यू आर चोजन, देर इज एन इंटरव्यू एज वेल. और ये इंटरव्यू और फेज टू के बाद में आपके जो मार्क्स जुड़कर हैं देन यू क्वालिफाई फॉर द फाइनल लिस्ट. सो द प्रोसेस टेक्स अ लिटिल टाइम. पिछली बार जैन में आया था, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इस बार जैन में हुआ है तो उसके रिजल्ट आए हैं. अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी प्रोसेस ख़त्म हुई है पूरी रिक्रूटमेंट की इस साल की. सो देन एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद ही अपना डालेंगे. और हर साल आरबीआई ग्रेड बी की और आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट निकलती हैं. आरबीआई असिस्टेंट फॉर दिस ईयर इज नॉट आउट येट, इट वुड बी नोटिफाइड सून, दैट इज वट इज स्टेटेड राइट नाउ. वट एवर विल कम अप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये देखना है कि आप किस एग्जाम की तरफ क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं और किस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है. सो जस्ट अ लिटिल एडवाइस, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आरबीआई ग्रेड बी, देन आरबीआई ग्रेड बी के लिए ना एक बार सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी दिमाग में रखकर अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, ताकि प्रिपरेशन जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल प्रिपरेशन बन सके. ठीक है, सो दिस इज फॉर द आरबीआई ग्रेड बी. इन केस आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए ये सोच रहे हैं कि इफ यू आर स्टार्टेड टू प्रिपेयरिंग, बिकॉज एटलीस्ट फॉर आरबीआई ग्रेड बी आपको 6 महीने का समय तो देना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन एक कॉम्पिटिटिव एज आपको प्रोवाइड करवा पाएगी. इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ नीचे डिटेल्स में हमारा आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी. यानी कि हमारे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, इनफैक्ट फ्री मटेरियल भी अवेलेबल होता है. दैट इज समथिंग विच यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, प्लस द मेंटरशिप स्ट्रेटजीज आर ऑल्सो देयर. सो आप हमारे पोर्टल पर जाकर चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, एंड वट एवर यू फील दैट यू रिक्वायर यू कैन लुक फॉर इट एंड परचेज इट अकॉर्डिंगली. एंड इफ यू थिंक कि आपको फ्री टेस्ट देने हैं, तो आपके पास फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, PDFs भी अवेलेबल हैं जो क्लासेस हुई हैं उनकी. सो इन एनी केस इफ इट हेल्प्स यू देन गो एंड चेक आउट द पोर्टल.
अदरवाइज वी आर ऑल्सो गोइंग टू कम अप विद न्यू एंड मोर अपडेटेड क्लासेस इन टर्म्स ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी एज एंड व्हेन जैसे नोटिफिकेशन आने शुरू होंगे तो उस समय से पहले पहले हम क्लासेस जरूर शुरू कर देंगे ताकि दोज हु आर प्रिपेयरिंग आर एबल टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद अस इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. So we'll be meeting you and with another level facts and figures regarding RBI grade B in the upcoming videos. Thank you so much.